शाकाहार सदाचार और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 18 सितंबर को ऑनलाइन संदेश देते हुए भक्तों को बताया कि भारत देश एक आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है। यहाँ का जो विज्ञान है, जो विज्ञान का आविष्कार किए हैं, ये दुनिया के देशों को अब भी समझ में नहीं आ रहा। ग्रह नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा का प्रभाव की जानकारी भारत देश के लोगों को हो रही है और अब भी है, वो विदेशियों को नहीं है। 12 महीने और 4 ऋतुओं में 3 तिथि, इसकी जानकारी दूसरे देशों को नहीं है। इस समय आदमी आधुनिकता में भारत देश के कुछ लोग भी उसको भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन जिनको इन चीजों की जानकारी है वो सब कुछ बता देते हैं। भारत देश आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है। यहाँ का जो विज्ञान है और भारत देश के लोग जिन विज्ञान का आविष्कार किए, वो दुनिया के देश के लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो ग्रह नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा का प्रभाव की जानकारी भारत देश के लोगों को रही है और अब भी है, वो विदेशियों को नहीं है। 12 महीना और 4 ऋतुएं और 3 तिथि, इसकी जानकारी दूसरे देश के लोगों को नहीं है। इस समय पर आधुनिकता में भारत देश के कुछ लोग भी उसको भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन जिनको इन चीजों की जानकारी है वो सब कुछ बता देते हैं। तो अब आके समझो, 12 महीना साल में होता है, थोड़ा थोड़ा जब समय इसमें से घंटा पल जब बढ़ जाता है तो अधमास लग जाता है, मधमास जिसको कहते हैं, थोड़ी थोड़ी मैल गंदगी जिसको कहते हैं, जब निकलती है, इकट्ठा होती है तो उसको मल लोग कहने लगते हैं और मास माने होता महीना। तो ये जो इस वक्त पर लगा हुआ है मल मास, आप समझो अजमास भी कहते हैं कुछ लोग, पुरुषोत्तम क्या क्या कहते हैं इसको। तो इस समय पर यह नियम बनाया लोगों ने कि पूजा पाठ करना चाहिए, देवताओं को खुश करना चाहिए। ये जो मल है, ये गंदगी है जो महीनों से निकली है, यह तकलीफ न दे, गंदगी यह धुल जाए, आराम से यह समय पास हो जाए, इसलिए यह नियम बनाया गया था। आप सत्संगी हो, आपको भी ऐसे समय में अपने कर्मों को काटने का मौका है, क्योंकि कितनी बार आप लोगों को सत्संगों में सुनाया जा चुका है, गुरु महाराज भी बराबर सुनाते रहे और भी जो संत आए सब कर्मों के बारे में बताते रहे हैं कि कर्मों की सजा मिल जाती है, कर्म का फल भोगना पड़ जाता है। इसलिए जान अनजान में जो कर्म बन गए, उन कर्मों को उसमें काटने की जरूरत है। कर्म कैसे करते हैं? भजन ध्यान के द्वारा करते हैं, सेवा के द्वारा करते हैं, प्रेम प्रीत उस मालिक से गुरु से लगाने से, यानी समझो उनकी दया लेने से करते हैं। तो उसका मौका आप सब लोगों के लिए इस समय पर है।